हेलो दोस्तों, मैं हूँ हैरी। स्टडी पॉइंट 6 पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड करके उसकी साइज़ को बड़ा करके अपने यूट्यूब चैनल पर कैसे डाल सकते हैं। इसमें मैं आपको वीडियो और फोटो दोनों की साइज़ बताऊँगा कि इनकी क्या साइज़ होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएँ और पास में लगी घंटी को भी दबा दें, जिससे कि आपको हर नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपका यूट्यूब पर चैनल है तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में काइनमास्टर डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके मोबाइल में काइनमास्टर नहीं है तो उसे डाउनलोड कर लें। दोस्तों, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए आपका वीडियो भी काफ़ी हद तक मायने रखता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है, जैसा कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, जैसा भी आपको YouTube पर डालना हो। ठीक है, ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब हमें ये देखना है कि हम कौन सी वीडियो की साइज करें कि ये वीडियो YouTube पर अपलोड करने पर फुल स्क्रीन में दिखाई दे। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको काइनमास्टर में जाना है। काइनमास्टर पर क्लिक करते हैं। देखिए, ये आपके सामने काइनमास्टर ओपन हो गया है। अब आपके सामने जो प्लस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने अलग अलग साइज़ आ गई है, तो आपको 9:16 वाली साइज़ लेनी है, 9:16 वाली। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं हम। अब आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको अपना रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो लेना है, तो उसके लिए हम मीडिया पर क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ से वीडियो ले लिया है। देखिए, ये वीडियो आपके सामने कितना छोटा दिखाई दे रहा है। अगर आप ऐसा ही वीडियो YouTube पर अपलोड करेंगे तो आपको फुल स्क्रीन में वीडियो नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको जो ये लेयर है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया। अब आपके सामने क्रॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, अब आपको फुल स्क्रीन करने के लिए इसको अपनी आवश्यकता अनुसार इसे बड़ा कर लेना है यहाँ से। ठीक है, ताकि ये फुल स्क्रीन हो जाए। देखिए, यहाँ पर फुल स्क्रीन हो गया है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन, तो हमें एंड पोजीशन पर भी क्लिक करना है। ठीक है, ये अगर आप एंड पोजीशन पर क्लिक नहीं करेंगे, अगर बड़ा नहीं करेंगे, तो आपको आपका जो वीडियो है पूरी तरह से फुल नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया है, अब आप अपने आवश्यकता अनुसार इसे बड़ा कर सकते हैं, ताकि ये एंड तक फुल स्क्रीन पर दिखाई दे। देखिए, हमने यहाँ पर बड़ा कर दिया इसे। ठीक है, अब आपको जो राइट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब आपको पूरा वीडियो जो है वो फुल स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है, अब आपको राइट हैंड पर जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो फर्स्ट वीडियो है, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको शेयर पर क्लिक करना है, शेयर ऑप्शन पर। अब यहाँ पर ये बोल रहा है एक्सपोर्ट करने का। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वालिटी के अनुसार इसकी साइज़ ले सकते हैं, तो हमने ये साइज़ कर दी है। ठीक है, अब इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। देखिए, ये आपके सामने यहाँ पर एक्सपोर्ट होने लग गया है। देखिए, आपके सामने यहाँ पर ये एक्सपोर्ट हो गया है। दोस्तों, मुझे लगता है आपको फुल स्क्रीन का वीडियो बनाने की प्रोसेस समझ में आ गई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम वापस स्क्रीन पर आ गए हैं। ठीक है, फोटो की साइज़ करने के लिए सबसे पहले हमें पिक्सआर्ट डाउनलोड कर लेना है। अगर आप जिस भी ऐप से फ़ोटो बनाते हैं, देखिए यहाँ पर पिक्सआर्ट पर हमने क्लिक किया है। यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें नीचे आ जाना है। ये जो यहाँ लिखा हुआ है, सी आल पर क्लिक करना है हमें। ठीक है,
सीआर पर क्लिक किया हमने, यहाँ पर है नया बनाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साइज़ दी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टम साइज़, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो साइज़ लिखी हुई है 1920 चौड़ाई है इसकी, ठीक है, और 1080 ऊंचाई है। तो आपको जो साइज़ है यही सिलेक्ट करनी है, 1920 और 1080, ठीक है, ओके कर देना है। और यहाँ पर एरो के निशान पर क्लिक कर देना है, ठीक है, ये साइज़ यहाँ पर सिलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर राइट हैंड पर एरो के निशान पर क्लिक करना है, यहाँ पर एडिट इमेज छवि संपादित करें, ठीक है, ये यहाँ पर आपकी जो साइज़ है वो आ गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे क्या इमेज सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तस्वीर जोड़े पर क्लिक, यहाँ पर हम इमेज ले लेते हैं, ये इमेज ले ली हमने, ठीक है। यहाँ पर हमने इमेज सिलेक्ट कर ली, ठीक है, अब ओके कर लेते हैं, ठीक है। अब एरो के निशान पर क्लिक करते हैं वापस, यहाँ पर हमें बता रहा है अब हमें गैलरी में सेव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये यह सेव हो गया है, वापस हम चलते हैं गैलरी में, देखिए हम वापस चलते हैं गैलरी में, ठीक है। हमने जो इमेज ली थी, ये इमेज ली थी हमने, अगर इसको हम रोटेट करके देखेंगे तो ये फुल स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगी, देखिए यहाँ पर ये फुल स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रही है। अब हम वापस चलते हैं पिक्सआर्ट में, देखिए अगर इस इमेज को आप देखेंगे तो ये फुल स्क्रीन में दिखाई देगी, देखिए ये आपके सामने यहाँ पर फुल स्क्रीन में दिखाई दे रही है, जो हमने पिक्सआर्ट में भी बनाई है, ठीक है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे वीडियो की साइज़ को फुल स्क्रीन बनाना है, फ़ोटो की साइज़ को कैसे फुल स्क्रीन में बनाना है, ताकि जो आप यूट्यूब पर वीडियो डालें वो फुल स्क्रीन में वीडियो दिखाई दे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।